आखिरकार ईमान और फखर की शादी हो ही गई। हालांकि ईमान की भाभी ने फुल मुखालफत की कि ईमान और फखर की शादी ना हो, लेकिन इतनी मुखालफत के बावजूद भी दोनों एक हो गए, क्योंकि फखर ईमान से सच्चा प्यार करता था और आखिर उसने अपनी मोहब्बत हासिल कर ही ली है। अब ईमान की शादी तो हो चुकी है, लेकिन अब उसकी दोस्त जो कि अब उसकी नंद बन चुकी है, महा ईमान को कभी भी खुश नहीं रहने देगी, क्योंकि माँ समझती है कि वो मेरे और मेरे भाई फखर के दरमियान आ चुकी है। इसलिए वो अब फुल मुखालफत करेगी कि किसी न किसी तरीके से मैं अपने भाई के अंदर ईमान के लिए नफरत पैदा करूं। वो तरह तरह की बदगुमानियां पैदा करने की कोशिश करेगी कि उसका भाई फखर ईमान से दूर हो जाए। नाज़रीन, नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है।